आज हम आपको आस्था और अंधविश्वास की ऐसी खबर से रूबरू कराएंगे जिसको देखने के बाद आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। खौलते दूध से पुजारी का स्नान करना, हवन कुंड में सिर डाल देना और इस सभी चीजों को दैव शक्ति बताना, पुजारी की हैरत अंगेज कारनामे पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अनोखी पूजा की दिल दहला देने वाली तस्वीर, खौलते दूध से पुजारी का स्नान, हवन कुंड में पुजारी का सर, खौलते दूध में बच्चों का हाथ, आस्था या अंधविश्वास? क्या आपने कभी किसी पुजारी को खौलते दूध से स्नान करते देखा है? क्या आपने कभी हवन कुंड में पुजारी को अपना सर डालते देखा है? या फिर कभी खौलते दूध में बच्चों को हाथ डालते देखा है आपने? अगर नहीं देखा तो आज हम आपको दिखाएंगे किस तरह से एक पुजारी की हरकत ने हर किसी को हैरत में डाल दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुजारी पानी से नहीं बल्कि खौलते दूध से स्नान कर रहा है। जौनपुर के पंदलपुर गांव से ऐसी तस्वीरें सामने आई जिनको देखने के बाद हर कोई हैरान रह गया। हर कोई बस यही सोच रहा था, यह आस्था है या अंधविश्वास? इस धार्मिक अनुष्ठान में श्रद्धालुओं की भीड़ पुजारी की हैरत अंगेज कारनामों को देखने के लिए एकजुट हो गई, जहां श्रद्धालुओं के चेहरों पर आस्था के साथ साथ अंधविश्वास के भाव भी झलक रहे थे। पुजारी कभी खौलते दूध को हाथ से निकालकर श्रद्धालुओं के ऊपर फेंक रहा था तो कभी खौलते दूध से स्नान कर रहा था। इतना ही नहीं, पुजारी ने अपना पूरा सर हवन कुंड में ही डाल दिया। आग से धधकता हवन कुंड उसका कोई बाल बांका नहीं कर पाया। अंधविश्वास में डूबे श्रद्धालु इसे किसी दैवीय शक्ति की नजरों से देख रहे थे। पुजारी के इस हैरत अंगेज कारनामे को देखने के बाद भक्त जयकारे लगाने लगे। पूजा के बीच में ही तो नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथ भी खौलते दूध में पुजारी ने डाल दिए। करीब एक मिनट तक बच्चों का हाथ खौलते दूध में ही रहा। सवाल अब ये उठता है कि क्या आस्था के लिए बच्चों की जान जोखिम में डालना सही है? अभी तुम्हारा हाथ दूध में डाला गया था, कैसा लगा तुम्हें? जल लग रहा था, कैसा लग रहा था? बोलो, कैसा लग रहा था? बर्फ। अच्छा, ठंडा लग रहा पूरा, बर्फ। पुजारी के इस हैरत अंगेज कारनामे ने हर किसी को हैरान कर दिया। पूजा की शुरुआत से लेकर अंत तक कई बार पुजारी के ऐसे कारनामे देखने को मिले जिन पर लोग आंखें बंद कर विश्वास करने को तैयार भी हो गए। हवन कुंड में कभी पुजारी अपना सर डालता तो कभी हवन कुंड में अपने हाथों से गर्म घी, पूजा के बीच बीच में मटके में खौलते दूध को अपनी लाठी पर भी लगाता तो कभी गर्म दूध को श्रद्धालुओं के ऊपर गंगा जल की तरह छिड़क भी देता। कई बार खौलते दूध से स्नान भी करता और भक्त इसे दैवीय शक्ति मानकर जयकारे लगाने लगते। यह पूजा इसलिए कराई जाती है कि इससे समाज का, देश का, पर्यावरण का कल्याण हेतु समस्त जीव जंतु प्राणी जितने भी लोग जीव जंतु धरती पर हैं उनके कल्याण वस्त यह पूजा कार्यक्रम यदुवंश कुल में कराया जाता है, बाकी कहीं पर नहीं कराई जाती है। इसलिए हम लोग इस परंपरा को अपने जो भी पर्यावरण है, जो समाज है, हमारे जो जीव जंतु हैं उनकी सुरक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण से दुआ करते हैं और सुरक्षित रहें, उनका आशीर्वाद हम लोगों पर बना रहे। जब पुजारी से खौलते दूध में हाथ डालना, स्नान करना और हवन कुंड में पूरा सर डालने पर सवाल किया गया तो पुजारी ने इस पूजा को माता रानी की कृपा बता डाला। लेकिन सवाल ये कि आस्था के नाम पर कब तक लोगों की आंखों पर यूं ही अंधविश्वास की पट्टी बंधी रहेगी? जौनपुर से विश्व प्रकाश श्रीवास्तव, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।